हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ब्रेकआउट स्टॉक की जिसने मार्केट की रैली में पार्टिसिपेशन नहीं किया। पिछले कई महीनों से वो एक डाउन ट्रेंड कह लें, कंसोलिडेशन कह रहे हैं, उस जोन में था, जबकि मार्केट ने वन साइड रैली दिखाई है। लेकिन अब स्टॉक में एक ऐसे लेवल आ गए हैं जहां से अगर ब्रेकआउट हुआ, अभी ब्रेकआउट के बिल्कुल एच पे खड़ा है स्टॉक, और अगर आने वाले दिनों के अंदर उसमें ब्रेकआउट होता है उस लेवल से, तो स्टॉक डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न देगा। और बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट QSR रेस्टोरेंट्स की चेन है, वन ऑफ द फास्टेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट FMCG का सेल करती है। आइए बात करते हैं स्टॉक के बारे में और सीखते हैं कौन से वो लेवल्स हैं जिसको ब्रेकआउट होने पे स्टॉक्स एक ब्रेकआउट दिखाएगा, और कहां तक स्टॉक जा सकता है और क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, ये बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है जिसमें हम सीखते हैं उन स्टॉक्स के बारे में जो में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखा रहा होता है, और हम लेवल्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक कहां तक जा सकता है और कहां तक नीचे गिर सकता है। तो आइए बात करते हैं स्टॉक की, और स्टॉक का नाम है जुबिलेंट फूड। तो जुबिलेंट फूड एक इंडिया की बहुत ही जानी हुई QSR रेस्टोरेंट की चेन है, जिसमें डोमिनोज, पिज्जा, डंकिन, पॉपेज, होम किचन के ब्रांड्स हैं। तो हम जानते ही हैं कि कितना मार्केट वाइड स्प्रेड है, वन ऑफ द लार्जेस्ट रेस्टोरेंट्स की चेन है, और पास्ट में कंपनी ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। लेकिन 2021 से जहां की पूरा मार्केट ने एक वन साइड रैली दिखाई, लेकिन स्टॉक कॉन्स्टेंटली ही एक डाउन ट्रेंड में था, पिछले 1.5 साल से गिरावट दिखा रहा था टेक्निक। अब बात करते हैं कि क्यों स्टॉक के अंदर एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है, और अगर ये लेवल्स क्रॉस होते हैं आने वाले दिनों के अंदर, तो डेफिनेटली ये स्टॉक एक अच्छी रिटर्न दे सकता है। तो हमारे सामने जुबिलेंट फूड का वीकली चार्ट खुला है। तो जुबिलेंट फूड ने देखिए अक्टूबर 21 में एक लाइफ टाइम हाई बनाया था अराउंड 916 रुपीज का। तो ये एक लेवल था जहां पे जुबिलेंट फूड ने एक लाइफ टाइम हाई बनाया था, और उसके बाद देखिए अक्टूबर 21 से कॉन्स्टेंटली ही स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहा, जहां नीचे में उसने एक सपोर्ट लिया अराउंड 427 के प्राइस। तो 427 के प्राइस का लेवल के बाद स्टॉक ने फिर से एक पुल बैक रैली दी, जो उसको लेके गई अराउंड 586। तो 586 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, और इसके पहले जो रेजिस्टेंस बना था वो बना था 647। देखिए ये एक लेवल था जहां पे एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बना था, और ये रिसेंट रैली 586 तक जो स्टॉक को ले, जो 586 तक पहुंची, उसके बाद देखिए 586 ऑलमोस्ट वही लेवल है जहां पे स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस ट्रेंडलाइन बनाई, उसी को टच करी, और टच करने के बाद वहीं से एग्जैक्टली रिवर्सल, एक प्रॉफिट बुकिंग कंसोलिडेशन दिया, और देखिए एग्जैक्टली 427 जहां पे इसने बेस बनाया था वहां तक दोबारा आया, और वहां से एक शार्प रिवर्सल दिया है। अब इस रिवर्सल के बाद करंटली स्टॉक 580 के प्राइस पे आज इसने क्लोजिंग करी। अब अगर आने वाले दिनों के अंदर ये स्टॉक 586 के लेवल्स को क्रॉस करता है, तो इमीडिएटली एक नए टारगेट की तरफ जो कि बनेगा 647 रुपीस के लिए ये मूव करने की कोशिश करेगा। तो अगर रिटर्न से बात करें तो करंट प्राइस से ऑलमोस्ट 13% का रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है, तो हम 13% के रिटर्न के लिए स्टॉक में प्ले कर सकते हैं। लेकिन ये कंडीशनल होएगा जब स्टॉक 586 के ऊपर डिसाइसिवली ब्रेक करेगा, क्लोजिंग देगा और वॉल्यूम सपोर्ट करेंगे, तो आपको ये कंडीशन मेट होनी चाहिए। और अगर 580 से यहीं से प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो नीचे में फिर से एक लेवल जाने की कोशिश करेगा जो होगा, इसको अब हम डेली चार्ट पर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब ये डेली चार्ट है हमारे सामने ओपन, देखिए ये था 586 का लेवल जहां तक हाई बनाया था, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर एक कंसोलिडेशन आया 427 रुपीज तक, वहीं से रिवर्सल लिया और करंटली यहाँ प्लेस्ड है। तो हमने ऊपर के लेवल की बात कर ली, 647 रुपीज इमीडिएट टारगेट अगर ये 586 की वैल्यू को क्रॉस करता है, और अगर 586 को ब्रेक नहीं कर पाता है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है, रिवर्सल आता है, तो स्टॉक फिर कहाँ तक जाएगा? स्टॉक जो ऊपर में एक ट्रेंड लाइन चल रही है जहां पे टच करके 586 रुपीज पर रिवर्सल लिया था, ये वाली ट्रेंड लाइन इसी पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, तो अगर नीचे आता है तो ऑलमोस्ट यहीं तक आएगा जो कि लेवल बनते हैं हमारे 492। तो अगर 580 से रिवर्सल लेता है तो स्टॉक 492 तक लेवल के आने की कोशिश करेगा, राउंड फिगर में 500, तो ऑलमोस्ट यहाँ से 14% रिटर्न। तो बोथ वेज से बहुत ही अच्छा प्लेस है स्टॉक,
आप दोनों तरफ के इसमें प्ले कर सकते हैं, लॉन्ग में 586 के ऊपर, और अगर यहीं से रिवर्सल लेता है तो नीचे में 494। तो इन दो टारगेट्स के लिए स्टॉक के अंदर आप प्ले कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। और दोस्तों जैसे हमने बोला कि ये बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है, इस वीडियो में सीखा कि कैसे स्टॉक के हमने लेवल्स निकाले बोथ अपर और लोअर, जैसा मार्केट मूव करेगा, जैसा स्टॉक मूव करेगा उसके बेसिस पे हम अपनी पोजीशन लेंगे। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसे वीडियो आप तक अवेलेबल हो। थैंक यू।